नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ अकाउंट की केवाईसी जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएफ अकाउंट की केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है UAN लॉगिन। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, आपको पहले नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। पहले नंबर वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक अलर्ट देखने को मिलेगा, तो इसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जूम कर लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना UAN नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके UAN नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दिया है, कैप्चा कोड भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से एक अलर्ट देखने को मिलेगा, इसे आपको लेटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको PF अकाउंट की KYC करनी है, तो यहाँ पर आपको मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, KYC। आपको KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बैंक, पैन और पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक की KYC करनी है और पैन कार्ड की KYC करनी है, तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई IFSC इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो IFSC कोड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और आपका कौन सा बैंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने जो बैंक अकाउंट है वो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पैन कार्ड का नंबर भी एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पैन कार्ड की रिक्वेस्ट और बैंक को वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ये दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट की हैं वो यदि सही हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी। यदि आपकी जो डिटेल्स है उसमें कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्शन का जो रीज़न है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप यहाँ पर अपने PF अकाउंट की जो KYC है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।